गुड मॉर्निंग बच्चों, सब ठीक ठाक है ना? ऐसे भी सब कुछ ठीक ठाक ही रहता है आपका, सिर्फ हाथ में मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल हो तो सब कुछ बेजोड़, उसका कोई जोर नहीं। चलिए, आपके लिए हम आज लेके आए हैं नया नया टॉपिक, प्रिज्म। लेंस हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन हाँ कुछ न्यूमेरिकल्स बच गया था, उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक दो टॉपिक बच गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तब हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, तब प्रिज्म का मजा लेंगे, ठीक है? देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या बचा हुआ था, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है ना? प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करें, ठीक है? हेलो, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, मेरी बात समझिएगा। इधर क्या है कि एक यहाँ पे लेंस है, बहुत बढ़िया लगेगा ये डिस्कशन। जो भी आपका पिछला कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा बहुत सारा। इसमें क्या किया है ना, इस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, इस फेस को सिल्वर कर दिया। जैसे ही सिल्वर कर दिया तो ये कन के मिरर की तरह बिहेव करेगा, और इसका फोकल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और मिरर का फोकल लेंथ जो हो जाएगा R/2 हो जाता है, तो 22/2 ये आपका 11 सेंटीमीटर है ना? तो 1/F इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/FL प्लस 1/FM प्लस 1/FL। क्यों? लाइट जाएगा, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कन्वेक्स लेंस पर, ठीक है? फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा मिरर के लिए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, और फिर आकर के यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तीन पार्ट में होगा, एक बार कन्वेक्स लेंस पे रिफ्रैक्शन हुआ इस सरफेस पे, तब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा मिरर, कॉनकेव मिरर, और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर लेंस की तरफ। एक बार कन्वेक्स लेंस पे रिफ्रैक्शन, फिर मिरर पे रिफ्लेक्शन, और फिर ये कन्वेक्स लेंस के सरफेस पर रिफ्रैक्शन। दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन, दो बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन। तो मिरर के द्वारा परावर्तन हो गया, तो 1/F इक्वल टू 1/20 प्लस 1/11 प्लस 1/20। तो अब यहाँ पे देखिए, 1/F इक्वल टू एलसीएम लीजिए, 20 और 11, 220, 220, ठीक है? अब इससे डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 प्लस 11 से डिवाइड करिए, 20 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 22 प्लस 20, 42/220। इसको आप लिख सकते हैं 21/110, तो 1/F इक्वल टू 21/110 हो गया, ठीक? तो F इक्वल टू क्या हो गया, 110/21। ये फोकल लेंथ निकल गया। अब ये किसके तरह बिहेव करेगा, कन के मिरर की तरह बिहेव करेगा। फाइनली जिसका फोकल लेंथ 110/21, इट बिहेव्स एज ए कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना बोलिए, इज इक्वल टू 110/21। अब ये मिरर की तरह बिहेव करने लगा, तो यू कितना, -10 है। हेलो, यू -10 है, एफ कितना है, 110/21 है। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, मिरर मिरर हो गया ये, तो मिरर का फार्मूला 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए, हेलो नोट करिएगा, तब इसके बाद एक न्यूटन्स फॉर्मूला बताएंगे, तब प्रिज्म पढ़ेंगे। हेलो बच्चे, लिख लिए?
अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाय एफ। तो यहाँ पे कैपिटल एफ ली है, माइनस टेन प्लस वन बाय वी और वन बाय एफ कितना, हंड्रेड टेन बाय ट्वेंटी वन। अब ये वन बाय वी इक्वल टू हंड्रेड टेन बाय ट्वेंटी वन प्लस वन बाय टेन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिए, वन बाय वी इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, इक्कीस और दस दो सौ दस ले लीजिए, तो दस ग्यारह सौ प्लस ट्वेंटी वन, तो हंड्रेड एलेवन ट्वेंटी वन बाय टू हंड्रेड टेन वन बाय वी, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे नहीं 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 यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये वन बाई एफ लिखेंगे ना, तो एफ के लिए क्या लिखेंगे, हंड्रेड टेन बाई ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टेन प्लस वन बाई वी, ट्वेंटी वन बाई वन वन जीरो आएगा, तो वन बाई वी इक्वल टू ट्वेंटी वन बाई वन वन जीरो प्लस वन बाई टेन हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम वन वन जीरो, तो ये ट्वेंटी वन और ये कितना हो जाएगा, इलेवन से मल्टीप्लाई करिए तो टेन इंटू एलेवन करिएगा तो वन टेन हो जाएगा ना, तो ये कितना होगा, थर्टी टू बाय वन वन जीरो वन बाय वी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वन वन जीरो बाय थर्टी टू सेंटीमीटर, ये इमेज डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक हेडिंग होगा न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द लेंसेज। ठीक है, फॉर द लेंस, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द लेंस, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। देखिएगा ये क्या किया, हम लोग सारा डिस्टेंस मापते थे ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस मापते थे, लेंस जब थिन होता था तब, लेंस जब पतला होता था तो हम लोग आराम से ऑप्टिकल डिस्टेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस माप लेते थे, लेकिन जब लेंस थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब यहाँ पे देखिएगा, हेलो प्लीज़ एवरीवन, यहाँ पे न्यूटन्स फार्मूला क्या किया, ये क्या बोला कि जैसे देखिए, हम पहले थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर सी है बच्चे, इधर देखिएगा, इधर बुझिए, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको फोकस एफ वन है, ये आपको फोकस एफ टू है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोग जैसे ये ऑब्जेक्ट ए बी है ना, अब मान लीजिए ये इमेज यहाँ पे ए डैश बी डैश बना, ए बी वहाँ पे ए डैश बी डैश बना, तब यहाँ पे देखिएगा क्या देखेंगे, देखिएगा हम लोग ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजरमेंट करते थे, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से मापते थे, पर न्यूटन्स फॉर्मूला में ये डिस्टेंस हम लोग फोकस से मेजरमेंट करेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ द लेंस, कौन सा फॉर्मूला में, न्यूटन्स फॉर्मूला में, इन न्यूटन्स फॉर्मूला ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ लेंस, इज इट क्लियर व्हाट आई सेड, इन थिन लेंसेस ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, बट इन द केस ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ द सीन। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे फोकस से। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 और ये इमेज का डिस्टेंस फोकस से मापेंगे, ये x2 हो गया, तो क्या होता है यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला x1 into x2 बराबर f1 into f2 होता है,
समझ गए, x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2। हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं इन न्यूटन्स फार्मूला ऑल द डिस्टेंस, इन न्यूटन्स फार्मूला ऑल द डिस्टेंस, डिस्टेंस आर, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ लेंस, फ्रॉम द फोकस ऑफ लेंस, ठीक है। न्यूटन लेंस का, न्यूटन के सूत्र में लेंस का, न्यूटन के सूत्र में सभी दूरियों को लेंस के फोकस से मापा जाता है। लेंस के कहाँ से, फोकस से मापा जाता है। क्लियर है? तो देखिए, लेट यहाँ पे लिखते हैं, माना x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस f1। हम फिगर बना देते हैं, पहले ये लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम f1, फोकस f1 से या f1 से वस्तु की दूरी, ठीक है। और x2 लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम f2, f2 से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये लेंस का फॉर्मूला था, क्या बताए थे, न्यूटन्स का फॉर्मूला x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2। देखिए ये हो जाएगा f1 इंटू f2 इक्वल टू x1 इंटू x2, ठीक है। f1 और f2 फोकल लेंथ हुआ, ये x1 और x2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस। तो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, क्या f1 इंटू f2 बराबर x1 इंटू x2। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस ले करके आराम से प्रूफ करते हैं, आप हड़बड़ाइए नहीं, हम कर देते हैं। इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे दिखाते हैं आप फिगर ड्रॉ करके, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर सी है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, एक रे ऑफ लाइट इधर से जाता है, एक इसके फोकस से गया, ठीक है। इसको थोड़ा ना आप इधर ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए, ठीक है। ये आपको F1 है, ये A है,
ये बी है, ये ऐसे करके जा रहा है, ये आपको एफ वन है फोकस, ये दूरी आपको एक्स वन है, ये ऑप्टिकल सेंटर सी है, इसको यहाँ से ये सी सी वन मान लीजिए या जो भी मानना है। फिर ये जब फोकस से आया तो ये पैरेलल हो जाएगा और फिर ये फोकस से जाएगा। ये फोकस से गया, अब यहाँ पे देखिए ये आपका इमेज बना, ये ए डैश और ये क्या लीजिएगा बी डैश, ये इसको मिला दीजिएगा, ये गया। ये आपका F2 है, ये आपका X2 है। एरो डालिएगा, ये आपका डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस आपका x2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन ट्रायंगल, देखिएगा आराम से प्रूफ हो जाएगा। ये सब प्रूफ करने के लिए आपको इतना टाइम लगना ही नहीं है, आप इतना चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, ये सब छोटा चीज़ हो गया आपके लिए। ये ले लीजिए सी सी वन और ये ले लीजिए सी सी टू। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी एफ वन एंड ट्रायंगल सी सी वन एफ वन या एफ वन सी सी वन या सी एफ वन सी वन, सी एफ वन सी वन, ये कितना डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एंगल बी ए एफ वन इक्वल टू एंगल सी वन सी एफ वन, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एफ वन बी इक्वल टू एंगल सी एफ वन सी वन, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये सो द ट्रायंगल क्या लिखेगा, सो द ट्रायंगल ए बी एफ वन एंड ट्रायंगल सी एफ वन सी वन आर सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएगा तो हाइट का रेशियो, तो हाइट क्या है आपका, हाइट जो है ए बी यहाँ सी सी वन है, तो ए बी बाय सी सी वन इक्वल टू यहाँ पे बेस ए एफ वन बाय सी एफ वन। अब यहाँ पे देखिए सी सी वन को ए डैश बी डैश लिखेंगे, ये जो सी सी वन है ये ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू ए एफ वन, ए एफ वन माइनस एक्स वन होगा। आप जो फोकस से मेजरमेंट करेगा इधर आइएगा लाइट के अपोजिट, हम क्या बोले सारा डिस्टेंस को फोकस से मापेंगे, तो फोकस से इधर आइएगा तो लाइट के अपोजिट में होगा, तो माइनस एक्स वन और माइनस एफ वन, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। फोकस से मापिएगा तो लाइट के अपोजिट में आ रहे हैं तो डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू एक्स वन बाय एफ वन, ये इक्वेशन वन हो गया। अब देखिए इंटेंगल सी सी टू एफ टू, सी सी टू एफ टू एंट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है। तो ए डैश बी डैश एफ टू में देखिए क्या करिएगा, ये कितना डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एंगल सी टू सी एफ टू और बराबर एंगल बी डैश ए डैश एफ टू, ठीक है। बी डैश ए ये दोनों एंगल बराबर है, कितना डिग्री 90 डिग्री है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलिए सी एफ टू, सी टू बराबर ए डैश एफ टू बी डैश,
ये अपोजिट एंगल, सो द ट्रायंगल सी सी टू एफ टू एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ टू आर क्या लिखिएगा, सिमिलर। जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो हाइट, हाइट क्या है, सी सी टू, सी सी टू बाय ए डैश बी डैश, और इसका बेस क्या है, सी एफ टू बाय ए डैश एफ टू या एफ डैश एफ टू, ए डैश एफ टू लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश एफ टू लिख दीजिए। अब सी सी टू को क्या लिखेंगे, ए बी, यहाँ पे सी सी टू बराबर ए बी हो जाएगा, सी सी टू बराबर ए बी हो जाएगा, इसको नोट करिए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार उधर का दोनों पेयर ले लिए, एक बार इधर का दोनों पेयर ले लिए, ठीक है, ये ए डैश एफ टू है, सी एफ टू बाय ए डैश एफ टू है, ठीक है, एक बार उधर का पेयर, एक बार इधर का पेयर लेने पर इसका दो इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे सी सी टू के बदले क्या पुट कर देंगे हम लोग, ए बी पुट कर देंगे, तो ए डैश बाय ए बी बाय ए डैश बी डैश और सी एफ टू बाय ए डैश एफ टू हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए ना, नोट करिएगा जरा सा, इसको नोट कर लीजिए, हाँ, तो देखिए वहाँ से हम यहाँ लेते हैं, इसको मिटाते हैं, देखिए तो यहाँ पे ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू बाय ए डैश एफ टू हो जाएगा बच्चों। अब इसको इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हेलो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, इधर देखिए आप थोड़ा घर में मेहनत करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी ए बी बाय ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बाय ए डैश बी डैश, तो क्या होगा, अच्छा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक तो यहाँ पे ये कर दीजिए, सी एफ टू को हम लोग एफ टू लिखेंगे और ए डैश एफ टू को हम लोग एक्स टू लिखेंगे, क्योंकि फोकस से मापिएगा तो लाइट के डायरेक्शन में माप रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ए बी बाय ए डैश बी डैश एक्स वन बाय एफ वन और यहाँ एफ टू बाय एक्स टू है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, यहाँ भी ए बी बाय ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बाय ए डैश बी डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, एक्स वन बाय एफ वन, एक्स वन बाय एफ वन अब बराबर एफ टू बाय एक्स टू हो जाएगा, सीधा सीधी बात, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक्स वन इंटू एक्स टू अब बराबर एफ वन इंटू एफ टू हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। अच्छा इफ प्राइमरी और सेकेंडरी फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ वन इंटू एफ टू अब बराबर एक्स वन इंटू एक्स टू, जब प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस बराबर हो जाएगा, इफ इफ एफ वन बराबर एफ टू बराबर एफ हो जाएगा, दोनों फोकल लेंथ सेम हो जाएगा, तो एफ इंटू एफ बराबर एक्स वन इंटू एक्स टू, तो एफ स्क्वायर बराबर एक्स वन इंटू एक्स टू, तो एफ बराबर रूट अंडर एक्स वन इंटू एक्स टू, ठीक है ना, ये फोकल लेंथ निकल गया रूट अंडर एक्स वन इंटू एक्स टू, जब दोनों फोकस सेम रह जाएगा, क्लियर हो गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बस यहाँ तक रहने देते हैं लेंस में। अब हम लोग प्रिज्म स्टार्ट, इसका एक दो केस और देख लेते हैं, स्पेशल केस सिर्फ इसी का, तब हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, इसको नोट करिए। ठीक है अब देखिए यहां पे क्या करिएगा, इसका स्पेशल केसेस, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे रहेगा तो x1 इन्फिनाइट हो जाएगा,
इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देखिए स्पेशल केसेस करते हैं इसका, जरा सा ध्यान दीजिएगा स्पेशल केसेस। ओके ठंड लग रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ स्पेशल केसेस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो फोकस पे बनना चाहिए इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो x1 इन्फिनिटी हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु अनंत पर होगा ठीक है, तब इसमें क्या करिएगा बोलिए। इसमें जो है x1 जो होगा इन्फिनिटी होगा तो आप क्या लिखे हैं, f1 इंटू f2 बराबर x1 इंटू x2, कोई दिक्कत? तो x2 जो होगा f1 इंटू f2 बाय x1, x1 इन्फिनिटी है तो f1 इंटू f2 बाय इन्फिनिटी, तो x2 आपका जीरो हो जाएगा। और जैसे ही x2 जीरो हो गया तो इमेज खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो पहले इसको कंप्लीट करिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फर्स्ट में, अब यहाँ पे सेकेंड केस देखिए, ये फर्स्ट हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब वस्तु फोकस पर हो तो x1 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रख दीजिएगा। तो जैसे ही जीरो रखिएगा तो x2 कहाँ पे हो जाएगा, इन्फिनिटी पे हो जाएगा, x2 इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। ये कंप्लीट कर लीजिए, तब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, प्रिज्म। इसको देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्रिज्म देखिएगा, प्रिज्म एकदम न्यू टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिज्म जो है क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो किसी एंगल पे झुके हुए दो प्लेन सरफेस से बॉन्डेड होता है। मेरी बात समझिए, प्रिज्म अच्छा से समझिए। प्रिज्म आप कैसे ऐसा क्यों बना देते हैं कॉपी में, आप प्रिज्म को आप ऐसा क्यों बनाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। पर ऐसा नहीं है ना, ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे सिखाते हैं। एक बुक ले लीजिए, जो आपके पास बुक है ठीक है, ये बुक है, ये बुक नीचे में ले लीजिए, एक ऐसे ले लीजिए, एक ऐसे ले लीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये कैसा बुक है, रेक्टेंगुलर है, एक नीचे में रखिए, एक ऐसे घर बनाइए ठीक है ना, एक ऐसे करके, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक ये हो गया नीचे में रेक्टेंगुलर फेस हो गया, ये नीचे में बेस, आ इधर से भी एक ठो रेक्टेंगुलर, एक ठो इधर से भी रेक्टेंगुलर। एक बुक और लेने दीजिए ठीक है, ये देखिए ऐसा, ये दोनों कैसा फेस है, रेक्टेंगुलर फेस है, एक नीचे में। तो देखिए एक इधर से दोनों रेक्टेंगुलर, एक नीचे से, तो तीन रेक्टेंगुलर फेस हुआ, एक दोनों साइड एक नीचे, तो नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर फेस हुआ वो बेस कहलाता है, और ये जो दोनों रेक्टेंगुलर फेस है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये अपवर्तक पृष्ठ है और पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। अच्छा ऐसा इसलिए बनाते हैं, आप अपने उधर से देखिए, हम इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, आप उधर से देखिए डायरेक्टली, जब आप उधर से देखिएगा डायरेक्टली
तो आपको सिर्फ सामने वाला ट्रेंगुलर फेस दिखेगा, तो पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो टोटल कितना फेस हुआ इसमें बोलिए, कितना? तीन? अरे नहीं, दो? नहीं, कितना? पांच फेस हुआ। कैसे पांच फेस पे कैसे हुआ? देखिए, एक ये दोनों रेक्टेंगुलर, एक नीचे में बेस जो है वो भी रेक्टेंगुलर, तीन रेक्टेंगुलर फेस, एक आपके सामने से उधर ट्रेंगुलर, एक इधर मेरे सामने से ट्रेंगुलर। तो तीन रेक्टेंगुलर, तीन आयताकार पृष्ठ है, तीन क्या है? आयताकार पृष्ठ है और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ है ना। तीन क्या हुआ? रेक्टेंगुलर फेस हो गया और दो ट्रेंगुलर फेस हो गया, दोनों दोनों तरफ से ट्रेंगुलर हो गया त्रिभुजाकार, तो टोटल फाइव फेसेस हो गया। तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल। और ये जो दोनों जो प्लेन सरफेस है उसके बीच जो ये एंगल होता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म। मेरी बात समझे क्या? द प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस भी कह सकते हैं एक समान, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल, मींस किसी किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ से घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को, समांगी मतलब होमोजीनियस, समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को हम लोग एक प्रिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ? मार्कर किधर चला? तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखे देखिए, हम फिगर से और क्लियर करते हैं। लिखे द प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ, द प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। क्लियर है? इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल, इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल, ठीक है। इसका फिगर और सारा फिगर बनाते हैं ना, सारा फिगर देख लीजिएगा ना, तब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल, मतलब किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ से घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे आप इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ से घिरे, दो समतल पृष्ठ से घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें कितना सरफेस? पांच। इट हैज थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस एंड टू ट्रेंगुलर फेसेस। यहां पे लिखते हैं इट हैज थ्री रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगल एंड टू ट्रायंगुलर फेसेस, समझे। और जो दोनों इंक्लाइन प्लेन है, जो रिफ्लेक्टिंग फेसेस है, उसके बीच जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं, जैसे देखिए ये था ना, ये इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं या रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों झुका हुआ है, यहाँ दिख रहा है ना, अरे बोलो बच्चों, इधर दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो है इसको हम ऐसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इनके बीच जो एंगल ऑफ एंगल जो है ना, उस एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, और जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए सी, है ना। इसमें हम फिगर बना के दिखाते हैं। इट हैज थ्री रेक्टेंगुलर एंड टू ट्रायंगुलर फेसेस। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, तब इसके द्वारा रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। प्रिज्म भी बहुत एक अच्छा डिस्कशन है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल सब बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आप ध्यान से करेंगे ना। हाँ देखिए, हम दो तीन फिगर आपको बना के दिखाते हैं। तीन रेक्टेंगुलर और दो क्या बोले हम आपको, ट्रेंगुलर फेसेस होता है, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये एक ये हो गया, और ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, एक नीचे वाला बेस हो गया, और दोनों तरफ से ट्रायंगुलर फेसेस। एक फिगर और बनाते हैं, दो तीन फिगर बनाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है, ये आपका प्रिज्म हो गया। ये जो एंगल ऑफ होगा ना, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। आप इस इधर से देखते हैं सामने से, तो ट्रायंगुलर फेस सिर्फ दिखता है, तो आप क्या करते हैं सिंपली ऐसे बना देते हैं, ठीक है ये, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये रिफ्रैक्टिंग फेस हो गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी लिख सकते हैं, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, और ये जो हो गया आपका ये बेस हो गया, इसको भी आप बोल देंगे रिफ्रैक्टिंग क्या सरफेस। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, एक बेस हो गया, ये हुआ एंगल जो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम डिफाइन कर देते हैं, देखिए ना, एंगल ऑफ प्रिज्म द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग, दैट मीन्स टू प्लेन सर्फेस, टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल। यहाँ पर ऐसा लिखेंगे,
द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ थ्री सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल. समझे, इसको हिंदी में लिखेंगे दो प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ यहां पे लिख देते हैं. प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं. प्रिज्म कोण कहते हैं, इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है. इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है और इट इज डिनोटेड बाय ए. ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा. इट इज डिनोटेड बाय ए. समझ गए, यहां पे लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए. क्लियर हो गया. अब इसको नोट कर लीजिए. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, थोड़ा मन लगा करके पढ़िए, अच्छा लगेगा. नहीं मन लगाइएगा तो नहीं अच्छा लगेगा. कोई भी चीज़ देखिए, समझ के पढ़िए तो मज़ा आएगा. हम आपको बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ जो चीज़ आपका समझने का होता है तो नेक्स्ट क्लास का आप इंतज़ार करते हैं जब आप समझ के पढ़िए. यदि नहीं समझेंगे आप तो क्लास जा करना है, पढ़ना है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, एक मिनट, वो फिगर ड्रॉ नहीं कर लिए. अच्छा कोई बात नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म लिखिए ना. थ्रू प्रिज्म प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन. ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो यहाँ पे हम एक प्रिज्म ले लेते हैं एबीसी, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए प्रिज्म एबीसी विथ प्रिज्म एंगल क्लियर है. लेट ए रे ऑफ लाइट ए बी इंसिडेंट एट पॉइंट, लेट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म
ऑन द फेस ए बी ऑफ द प्रिज्म, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इतना तो लिखते हैं ना, तब यहाँ फिगर बना के करते हैं। लिखिए हिंदी में क्या लिखेंगे, माना एक प्रिज्म ए बी सी है जिसका प्रिज्म कोण ए है, ठीक है। माना प्रकाश की किरण, प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, ठीक है। तो ये आपतित होती है, तो इसको आप कैसे करेंगे, हम फिगर बना करके करते हैं। पहले ये लिख लीजिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ दो तीन चीज़ हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए, अच्छा पहले इसको लिख लीजिए आप, हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा उसको, है लिख लिए। चलिए अब यहाँ पे हम फिगर देखिए, मेन फिगर है। अब यहाँ पे फिगर देखते जाइए, समझते जाइए। ये प्रिज्म आपका ए और बी, यहाँ पे सी है, ये रे ऑफ लाइट गया, क्लियर है। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो ये जाना चाहिए था इधर, ये जाना चाहिए था क्या, इधर जाना चाहिए था, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, क्योंकि रेरर से किस में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। तो ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, समझ गए। तो वो नॉर्मल की ओर क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा फेस पर गया, आप क्या करिए, यहां पे भी दूसरा फेस पे भी एक नॉर्मल बनाइए। दूसरा फेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये नॉर्मल हुआ। अब ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, डेंसर से रेरर में जा रहा तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। ये जो होगा एमर्जेंट रे, क्योंकि एयर से चला था एयर में चला गया, तो ये एमर्जेंट रे होगा, एमर्जेंट रे। इसको हम लोग क्या बोले थे, निर्गत किरण या उद्गामी किरण बोले थे, समझ गए। ये आपतित किरण, तो यहां पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ एमर्जेंट ई के बराबर होगा। मेरी बात समझिएगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक दो बातें क्या कह रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये फाइनली ऐसा हो गया, ये जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे आर वन ले लेते हैं फर्स्ट फेस के लिए। देखिए फर्स्ट फेस पे जब इंसिडेंट हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन है, ठीक। जब सेकेंड फेस पे फिर इंसिडेंट हुआ, यहां पे देखिए छोटा दिख रहा, जब सेकेंड फेस पे इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होना चाहिए, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए मान कुछ भी सकते हैं, सिर्फ नाम दे दिया गया है R2,
क्या नाम दे दिया गया आर टू, ये पॉइंट आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए फर्स्ट फेस पे, फेस पे ए बी पे जब इंसिडेंट हुआ है लाइट तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर वन है, और ये सेकेंड फेस पे जब इंसिडेंट हुआ है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आपतन कोण का नाम रखे हैं आर टू। एकदम धीरे धीरे आराम से बुझिए, ये आपतित किरण है आपका, तो आर टू, और यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम लोग यहां पे क्या ले लिए, ई ले लिए हैं, ठीक। तो आप हमको ये बताइए, क्या बताइएगा, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो अपोजिट एंगल का सम, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है आपका, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। देखिए हम आपको एक दो बातें हम बताते हैं, पहले यहाँ पे देखिए ये 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 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम आप लोग पढ़े होंगे टेंथ में चक्रीय चतुर्भुज, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा ना ये साइक्लिक होता है, तो ये एंगल ए और ये वाला का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, हम क्या करें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, तो आर वन प्लस आर टू और प्लस ये वाला एंगल पी आर क्यू, देखिए आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री है ना। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस आर वन माइनस आर टू, तो इसको लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, इसको इक्वेशन वन ले लीजिए है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए पी आर क्यू, देखिए चक्रीय चतुर्भुज इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसमें, ए पी क्यू आर या ए पी आर क्यू, ए पी आर क्यू इन साइक्लिक क्वाड्रिल चक्रीय चतुर्भुज ए पी आर क्यू में अपोजिट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा, ये साइक्लिक होता है, ठीक है 180। ऐसे भी देखिए, वैसे नहीं समझिएगा ना आप, ऐसे समझ लीजिए, आप बार बार क्यों कहिएगा कैसे साइक्लिक हो जाता है, हमको पहले अब समझाने दीजिए, एक दूसरे तरह से समझाने दीजिए, हेलो इसको हम दूसरे तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, समझ जाइएगा। ये रे ऑफ लाइट गया, ये नॉर्मल खींचे ना आप, ये नॉर्मल खींचे ना, यहाँ भी नॉर्मल खींचे हैं, तो ये कितना डिग्री 90 डिग्री, ये भी नॉर्मल दिए हैं ये 90 डिग्री, तो दोनों 180 हो गया, तो बचा ये दोनों एंगल का सम भी 180 हो जाएगा, सीधा सीधी बात है। वैसे नहीं समझिएगा तो ऐसे, देखिए जिनके मन में क्वेश्चन होता है उनको क्लियर कर देना चाहिए, नहीं तो रात भर आप लोग सोइएगा नहीं। हम फिर से क्लियर करते हैं, ये जो खींचे हैं ये नॉर्मल खींचे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे समझाते हैं, हेलो बच्चों प्यारे इधर समझिए, यहाँ पे लिए ये नॉर्मल खींचे, फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचे, ये ए है, ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, तो ये नॉर्मल कितना डिग्री 90 डिग्री, ये नॉर्मल कितना डिग्री 90, तो 90 प्लस 90 180 हो गया,
तो फिर वो दोनों रेस्ट एंगल जो है उस दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, होगा ना। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये दोनों का सम 180, तो ये दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, तब ना 360, चारों एंगल का सम 360, ये 180 हो गया, तो ये दोनों का सम 180, ऐसे समझ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए पी आर क्यू, तो एंगल ए ए प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म ए पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण एक तथा दो से देखिएगा, ये भी पी आर क्यू और वो भी पी आर क्यू, तो इधर हो गया 180 माइनस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 180 माइनस ए हो गया। अब 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, आर वन प्लस आर टू, ए इक्वल टू कितना हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए बराबर आर वन प्लस आर टू। आर वन क्या है, पहला फेस पर अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आर टू क्या है, दूसरा फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर टू जो है याद रखिएगा, दूसरा फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण है, समझे, दूसरा फेस पर क्या है, आपतन कोण है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू प्रूफ हो गया, इसको लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, घर में थोड़ा मन लगा के पढ़िए, है, चलिए बाय बाय।